आईपीएल 2019 का पांचवा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो इस मुकाबले के लिए क्या होगी दोनों ही टीम की प्लेइंग 11, कैसी हमें देखने को मिलेगी पिच, क्या रहेगी स्कोर लाइन और कौन सी टीम इस मुकाबले को बाजी मार सकती है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, अगर इन सभी बातों के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हे गाइस, माय नेम इज रुतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस को मुंबई इंडियंस के घर में बल्लेबाजी के दम पे हरा के आ रही है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग्स के घर में बॉलिंग के दम पे हरा के आ रही है। तो इस मुकाबले में हमें बैटिंग और बॉलिंग का बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर पिच की तो ये मुकाबला खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड में यानी कि दिल्ली के स्टेडियम में, जहाँ की पिच रहती है बॉलर्स के लिए मदद रूप। स्पिन बॉलर यहाँ पे अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर पाते हैं, वहीं बल्लेबाजी के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है यह पिच। अब बात करते हैं दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। शुरुआत करते हैं होम टीम से यानी कि दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक चेंज कर सकती है, वो है अक्षर पटेल के रूप में। अक्षर पटेल की बॉलिंग अच्छी नहीं रही थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वही ये मुकाबला खेला जाना है उस पिच पे जहाँ स्पिनर को मदद मिलती है। अमित मिश्रा यहाँ पे एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं अक्षर पटेल की जगह, अमित मिश्रा को शामिल किया जा सकता है इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मुकाबला खेलना चाहे तो वो अक्षर पटेल को अभी भी टीम में शामिल कर सकते हैं। बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग्स की तो एक चेंज कर सकते हैं, वो है लुंगी एनगिरी को टीम का हिस्सा बना सकते हैं शार्दुल ठाकुर की जगह। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मात्र 3 विदेशी खिलाड़ी के साथ मुकाबला खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में चौथे विदेशी खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा बना सकती है सीएसके। बाकी टीम हमें वही खेलती हुई दिखाई देंगी जो आरसीबी के खिलाफ मुकाबला खेली थी। बात करें अगर स्कोर लाइन के बारे में तो इस मुकाबले में हमें दोनों ही टीम की ओर से 170 का आंकड़ा पार होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है और बल्लेबाजी के लिए मदद रूप होती है पिच। तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में कि इस मुकाबले में हमें कौन सी टीम बाजी मारती हुई दिखाई दे सकती है, किसके ज़्यादा चांसेस है इस मुकाबले को जीतने के। तो बैटिंग ऑड्स की माने तो बैटिंग ऑड्स ये बताते हैं कि इस मुकाबले में ज़्यादा चांसेस है जीतने के चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी कम नहीं है, उन्होंने मुंबई इंडियंस को मुंबई के घर में हराया है और बल्लेबाजी करते हुए हराया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को भी हराने का मादा रखती है यह टीम, और क्या पता हरा भी दे इस मुकाबले में। तो ये थी इस मुकाबले के लिए एक प्रीव्यू वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।